भगवान ने देखा ये वासना है, झूठ बोल रही, मिथ्या है, मिथ्या भाषिनी है, ये विधवा है, कुमारी बन रही है, ताश लग रहा हूं कुमारी, विद्युत जीवा का वध रावण ने किया था इसके पति का, तो शूर्पण का वासना है, भगवान ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है, सीता भक्ति है। तब लक्ष्मण द्वारा इसके नासिका कान कटवा लिए थे भगवान ने, लेकिन इसके हृदय का प्रेम देखा भगवान ने, तो जो हमें जिस भाव में भजता मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ, इस बात को सत्य सिद्ध कर देने के लिए द्वापर में इसे कुब्जा बनाया है। कहा तुम बनावटी सौंदर्य बनाकर गई थी तो हमने तुम्हें प्राप्त नहीं किया, बनावटी सौंदर्य में अच्छा नहीं लगता, भीलनी शिविरी वृद्ध है जर्जर शरीर वाली से, कहते हैं जनक सुता के सुधि भामिनी जाने से कछु करी वर गामिनी, उसको गजगामिनी कहते हैं, गजगामिनी क्यों, मन की सुंदरता देखते हैं। कुब्जा के कुबड़ निकला है, भगवान बोले तुम्हारी कुटिलता हम दूर करेंगे, सुंदर बनाएंगे, तुम्हारे हृदय का भाव सुंदर है, मन सुंदर है, तब तो वो कुब्जा बनी है। आज भगवान ने दो उंगलियां उसके चुबुक में लगाई और अपना चरण कमल उसके चरण पर रख दिया। पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे, पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वही अंगुल उत्तान पाणिना, और जैसे ही उचका दिया तो मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यः बभूव परमदोत्तम, बड़ी सुंदरी हो गई, कुबड़ का अदृश्य हो गया, परम सुंदरी। बोलो गोविंद भगवान की जय। कुबजा को भगवान ने सौंदर्य दे दिया, तब तो भगवान से बोली हमारे घर चलो, भगवान का पीतांबर पकड़ के खींचा, भगवान बोले आएंगे, और ऐसा कहकर पूर्व दिशा की ओर गए जहां विशाल रंगशाला है और वेदिका पर 900 हाथ लंबा भगवान परशुराम का धनुष रखा है। दिग्विजय के समय कंस को दिया था भगवान परशुराम ने, और कहा था जिस वीर पुंगों के द्वारा धनुष टूट जाएगा उसी से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कन्हैया ने खेल खेल में बाएं हाथ से धनुष उठा लिया, करेन बामेन सलील मुद्रतम सज्जन चकृत्वा निमिषेण पश्यताम राम विकृष्य प्रभुभंज मध्यतो यथेक्षुदंडम मद करुरुक्रमः। करेन बामेन सलील मुद्रतम, इतना विशाल धनुष बाएं हाथ से खेल खेल में उठा लिया, सज्जन चकृत्वा उसकी डोरी को चढ़ाया और निमिषेण पश्यताम, देखते देखते क्षण मात्र में जैसे कोई बाल गज इक्षुदंड को तोड़ दे ऐसे ही धनुष का भंजन कर दिया। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। और बलराम जी ने राक्षसों को मारा, वहां जो रक्षक थे, ये धनुष टूटने का शब्द कंस के कानों में गया, वो चौंक पड़ा, भयभीत हुआ, मंत्रियों को बुलाया, अर्धरात्रि में मंत्रियों को बुलाकर सभा की और कहा बताओ हमारा काल आ गया, परशुराम जी ने कहा था जिसके द्वारा धनुष टूटेगा उसी द्वारा मृत्यु होगी, लगता यही देवकी का आठवां लाल है। मंत्री बोले मैं अच्छा चाटुकार मंत्री है, झूठी तारीफ कर रहे हैं, ऐसे चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए महापुरुषों को। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगी ही नाश, राजा का मंत्री राजा को गलत परामर्श देगा भय बस तो राजा का विनाश होगा। वैद्य जी अगर रोगी से डरकर गलत औषधि देंगे तो फिर रोगी का विनाश होगा, और गुरु जी शिष्य से डरकर गलत शिक्षा देंगे तो शिष्य का विनाश होगा, तीनों को निर्भीक होना चाहिए। ये चाटुकार कहते हैं आप तो स्वयं भगवान हो, कंस से कहते हैं आप स्वयं भगवान हो, इंद्र आपसे डरते हैं, शंकर जी आपके हमारे तपस्वी हो गए, ब्रह्मा वो माला जपते हैं, हाँ विष्णु आपके वैसे क्षीर सागर से नहीं निकलते, ऐसी तारीफ झूठी चाटुकारिता। तो कहा चाटुकारों सत्य बात कोई कहे भले ही कड़वी हो, अच्छा हितकारी तो हो, सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रिय वादिना, झूठी साची बातें कहने वाले बहुत लोग हैं लेकिन अप्रेस पत्थर से वक्ता श्रोता च दुर्लभा, हितकारी कुछ सुनने में कड़वी लगने वाली बात कहने वाले कम है और सुनने वाले तो बहुत कम है, वो सुनना नहीं चाहते, कहते मीठी मीठी हमारी तारीफ होती। तो इस प्रकार से तो ये चाटुकार मंत्रियों ने कंस की तारीफ की और बोले हमने महाराज व्यवस्था कर दी है, पांच मल्ल बुलाए हैं हमने पाटलिपुत्र से, पांच महल बुलाए मल्ल बुलाए हैं, सल तोसल मुष्टिक चाणूर कूट, ये मल्ल इतने बलवान हैं कि कंस कृष्ण बलराम को मार देंगे।
बोले अगर वो उन दोनों रण दुर्मदों ने मल्लों को मार दिया तो फिर बोले एक कदली बंशी कुबलया पीड़ गजराज कु माने पृथ्वी बले माने वृत्त आपीत माने पीड़ित करने वाला जब धरती पर पांव धरता तो धरती कांपती है। 10,000 हाथियों का बल वाला कुबलया पीड़ गजराज उसके द्वारा कृष्णमल नाम का हम बध करा देंगे। बोले उपाय उत्तम है लेकिन अगर वो दोनों वीरों ने हाथी मार दिया बोले सेना से मरा देंगे बोले सेना भी मार दी तो बोले तो फिर तुम जानो इतनी व्यवस्था हमने कर दी आगे भाई आ जाओ। बोले तुम्हारा 1,000 हाथ ऊंचा मंच बनाओ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करो विशेष सुरक्षा बल आसपास लगवा दो और राजमार्ग में दोनों ओर सेना खड़ी कर दो और फिर बुलाओ उनको। इतनी व्यवस्था हो गई मल्ल दुंदुभर निर्घोष होने लगा बजने लगा मल्ल नगाड़ा मल्ल दुंदुभर निर्घोष और उस समय भगवान कृष्ण बलराम सखाओं के साथ चले रंग द्वार पर आए। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन्नागम अवस्थितम अपश्यत् कुबलया पीडम कृष्णमस्थ प्रचोदितम अम्बस्थ अम्बस्थ मार्गम रऊह देह्य पत्रा ममाचिरम नो चेत् सकुंजरम त्वाद्य नयामेम साधनम। भगवान कहते हैं महावत मामा हाथी हटा लो हम मामा कंस की रंगशाला देखने जा रहे हैं नहीं हटाओगे तो हम लोग भेज देंगे। क्रुद्ध होकर उसने हाथी भगवान पर हूल दिया। कन्हैया ने पकड़ ली सूंड बलदाऊ भैया ने पूंछ वो इधर बहुत दूर तक खींच ले जाते हैं वो इधर बहुत दूर तक खींच ले जाते हैं और फिर एक ही साथ खींचा तो हाथी के दो खंड हो गए। बोलो कृष्ण बलराम की गजदंत उखाड़ लिए महावत को भी मार दिया और हाथों में गजदंत लिए हुए सखाओं के साथ रंगशाला में आ गया। अब रंगशाला में जब भगवान आए हैं तो अपनी अपनी रुचि से सबने भगवान को देखा। मल्ला नाम अश्वनी नाम नरवर स्त्री नाम स्मर मूर्तिमान सुनील मिश्रा झांकी ले आओ भगवान को सब अब देख रहे हैं भगवान की झांकी है अपने अपने रुचि से सब देख रहे हैं। मल्ला नाम अश्वनी नाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम सास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पति विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृषणीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जब भगवान रंगशाला में पहुंचे तो अपने अपने भावना से सब लोग भगवान को देख रहे हैं। मल्ला नाम अश्विनी मल्लों ने देखा बहुत बड़े बलवान मल्ल हैं। नृणाम नरवरः नारियों ने देखा ये नृणाम नरवरः पुरुषों ने देखा पुरुषोत्तम है और स्त्री नाम स्मरो नारियों ने देखा साक्षात कामदेव है। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनः गोपों ने देखा हमारे स्वजन है बंधु हैं सास्ता स्वपित्रो शिशु राजाओं ने देखा सम्राट हैं माता पिता ने देखा शिशु हैं लेकिन जब कंस ने देखा मृत्यु भोज पति कंस ने देखा हमारी मृत्यु है विद्वानों ने देखा विराट ब्रह्म है योगी ने देखा परम तत्व में है और वृष्ण यदुवंशियों ने देखा कि हमारे कुल देवता है। जा जिनके रही भावना जैसी जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिने तैसी प्रभु मूर्ति देखी तिने तैसी देखही रूप महारण धीरा धरे शरीरा धरे शरीरा रहे असुर छल छोन पबेखा रहे असुर छल छोन पबेखा तिन प्रभु प्रगट काल सब देखा तिन प्रभु प्रगट काल सब देखा विभूषण प्रभु
विराट में देशा विभूषण प्रभु विराट में देशा बहु आइए महाराज पधारिए बोली राधा कृष्ण भगवान की जय विदुषण प्रभु विराट में दिशा बहुमुख पद कर लोचन शीशा जोगिन परम तत्व में भाषा जोगिन परम तत्व में भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा हरि भगतन देखे दो भ्राता हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव वजन सुख दाता इष्ट देव वजन सुख दाता भक्तों ने देखा कि हमारे इष्ट देव हैं अपने अपने अनुसार सबने भगवान का दर्शन किया और उस समय अभी पहुंचे मल्लशाला में मुष्टिक चाणूक लड़ने आए उनका संहार किया संहारा कूट कूट करके कूट मल्लधारी ने शल तो शल मल्ल मार डाले ब्रज के उस कुंज बिहारी ने तब कंस ने कहा निश्चार्यत दुर्वृत्त वसुदेव आत्मजो पुरात धनम भरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मतिम ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं इन्हें नगर से बाहर निकाल दो गोपों का धन हरण कर लो नंद को बध कर दो वसुदेव का भी वध करो देवकी का भी वध करो उग्रसेन का भी वध करो सन्निपात में बड़बड़ा रहा है पूरी सभा बिल्कुल प्रस्तर मूर्ति की भांति खड़ी है सेना हिलडुल नहीं रही तो लघिमनो पत्य तरसा तुंग मंच मारू तो भगवान तुंग मंच पर चढ़ गए कंस ने तलवार उठाई और भगवान पर प्रहार किया आक्रमण किया तम खड्ग पाणि विचरन तमासु सेनम यथा दक्षिण शब्द मंबरे समग्रहीद दुर्विशहो व्रतेजा यथोरगम तार्शिशु तप्रशय्य भगवान ने उसकी तलवार पकड़ ली मुकुट उतार कर रख दिया कंस के बाल पकड़े फिर आयिष्ठा से कहा पकड़ दुष्ट के बाल मामा मैं हूँ भांजा समझन मुझको ग्वाल कुछ याद है मेरी जननी की तूने क्या दशा बनाई थी खींचा था रथ से बाल पकड़ उस पर तलवार चलाई थी उन बालों का बदला तुझसे लेता है बाल देवकी का तब तो नववाणी थी केवल अब मैं अष्टम लाल देवकी का ऐसा कहकर कंस के बाल पकड़ के भगवान ने घुमाना प्रारंभ किया प्रग्रह केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात तस्योपरिष्टाच्च स्वयमज्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्रः उसको घुमाकर धरातल पर फेंक दिया तीनों लोगों का भार लेकर भगवान कूदे अपना दाहिना चरण उसके वक्षस्थल पर रखा उसके नेत्रों के आगे ब्रह्मांड घूम गया और भगवान का चतुर्भुज रूप दर्शन करने लगा और उसके मुख से निकला हा कृष्णो हा कृष्णो हा कृष्णो और वो समाप्त हो गया और उसकी आत्मा भगवान में समा गई लीन हो गई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय और भगवान कंस के और आठ भाई कंक निरोधक आदि थे उनका भी वध किया यमुना में प्रवाह किया माता पिता के बंधन खोले उनके चरणों में दंडवत की आशीर्वाद दिया माता पिता ने नाना उग्रसेन को बंधनों से मुक्त किया अब तो पुष्प वर्षा हो रही सब कह रहे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट वंशी बारे की जय जय मोर मुकुट वंशी
और इस प्रकार कल की सुंदर कथा जिसमें गोपी उद्धव संवाद और रुक्मिणी विवाह, रुक्मिणी विवाह में जो माताएं भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पैर पूजना चाहें वो आकर पैर पूजेंगी, उनका पूजन करेंगी, जो सुहाग चढ़ाना चाहें सुहाग की सामग्री चढ़ावें, और फिर अन्य विवाहों की कथा, फिर सुदामा चरित्र की कथा और अध्यात्म वर्णन होते हुए महाराज भगवान का सुधाम गमन, परीक्षित मोक्ष और कथा का विश्राम हो जाएगा। पशुपत नगर यशोदा नगर के सभी भक्तों ने बहुत अधिकाधिक संख्या में आकर के सनातन धर्म के इस महान यज्ञ ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा की गरिमा को बढ़ाया है। भागवत भगवान आपकी गरिमा सदैव बढ़ाएंगे। दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सियाराम, जय रघुनंदन जय तुम ही पा
कहाँ रात की बड़ी आरज़ू थी मुलाकात
जी भर दे देखा न कुछ बात की बड़ी आरजू थी मुलाद क्या फूल फूले जब जब तक बरसात आ रहा हो प्यारे प्यारे तेरी तस्वीर से क्या क्या फूले जब जब तक मुलाकात आ रहा हो तमन्ना तेरा
कन कोयल नन कोयल ना चंद्र चरणों वचसा गृणामि श्री राम चंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री राम चंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योगिचित्तं हंसं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजं मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव केशव माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि कृष्ण बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल हरि जपित कतहुँ डोर
केशव माधव हरि हरि बोल, राधा कृष्ण भगवान की जय। माताएं पैर पूजते जाएं और पूजन करते जाएं। माताएं बहनें, रुक्मिणी कृष्ण से प्रद्युम्न जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने समरासुर का विनाश किया और आगे भगवान कृष्ण का द्वितीय विवाह जाम्बवंती की कन्या जाम्बवंती से हुआ, तृतीय विवाह धरती कांसा अवतार शत्राजित की कन्या सत्यभामा के साथ हुआ, चतुर्थ विवाह सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ हुआ, पांचवा मित्रविंदा के साथ हुआ, छठवां विवाह नागनिजिति सत्या के साथ हुआ, सातवां विवाह हुआ भद्रक के साथ और आठवां लक्ष्मणा के साथ। रुक्मिणी जी पटरानी है। इस प्रकार भगवान की आठ रानियां हुई। आगे 16,000 रानियों का वर्णन है। महाराज नर नारायण बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे, उस समय देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने 16,000 अप्सराओं को भेजा कि जाओ नारायण ऋषि की तपस्या को खंडित करो। तो वहां अप्सराओं ने बड़ी क्रीडा की, लेकिन नर नारायण की तपस्या खंडित नहीं हुई। तो उस समय नारायण ऋषि ने अपनी जांग से उर्वशी अप्सरा को जन्म दिया। अप्सराओं से कहा वरदान मांग लो, तो अप्सराओं ने उस समय ये वरदान मांगा कि महाराज आप हमारे पति हो जाएं। भगवान बोले द्वापर में हमारा कृष्ण अवतार होगा, तब तुम हमारी रानियां बनोगी। तो धरती के पुत्र भौमासुर ने भगवान कृष्ण की नकल करनी चाही कि 16,108 गोपिकाओं के साथ भगवान कृष्ण ने रासलीला की थी, तो मैं भी 16,108 विवाह कर रासलीला करूंगा। ये नकल करनी चाहिए थी उसने। 16,000 राजकुमारियों का हरण किया उस समय पर। आज वो उसने वहां नजर बंद की है। नारद जी से जब ये समाचार मिला तो सत्यभामा को लेकर भगवान गए और वहां जाकर के उन्होंने उनके सेनापति मुर दैत्य का वध किया। और सत्यभामा के कहने पर, क्योंकि सत्यभामा धरती है, धरती जब कहेगी तब ये मरेगा, ऐसा वरदान उसे प्राप्त है, तो सत्यभामा के कहने पर भगवान ने उसका वध किया और वो 16,000 ने भगवान को वरण किया। तम प्रविष्टम स्त्रियो वीक्षे नरवीरम विमोहिता मनसा बब्रवे भीष्टम पतिम दैवो प्रसादितम। 16,000 ने वरण किया, 16,000 ने और भगवान को लाए हैं। 16,000 महलों का निर्माण किया, 16,008 अपने स्वरूप बनाए, हर घर में एक रानी एक कृष्ण, सबके 10-10 पुत्र हुए, बड़ी शोभा हुई यदुवंश के। बोलिए कृष्ण भगवान की। और भक्तों, इधर युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ किया है और उसमें सभी ऋषियों को आमंत्रित किया है। उच्च राजस्व यज्ञ में बड़े बड़े संतों का पदार्पण हुआ है, तो कार्य बांटे गए। अर्जुन को महाराज संतों का स्वागत करने के लिए स्वागतम में लगा दिया, द्रौपदी को भी संत सेवा में लगाया, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया। दुर्योधन पांडवों का बहुत सा धन खर्च कर देना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में चक्र है, चौगुना धन बढ़ जाता है। पांडव विचलित हैं, भगवान कहते नहीं, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। इसके हाथ में चक्र है, चौगुना धन हो जाएगा। और उस समय भीमसेन को भोजनालय का अध्यक्ष बनाया और महाराज नकुल को द्रव्य साधन में, सहदेव को पूजा में लगाया। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण और संतों के चरण धोने की सेवा ली और विश्व को बताया सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अभ्यगम्यः। यज्ञ हो रहा था, राजस्व यज्ञ में सबसे बड़े सम्राट राजा का पूजन होना है, तो किसका पूजन हो? तो दुर्योधन बोला मैं बहुत बड़ा राजा हूं, शिष्यपाल बोला मैं बहुत बड़ा राजा हूं। तो भगवान सहदेव शब्द आया, जैसे सहदेव यहाँ जरासंध के पुत्र का नाम है, उसने प्रस्ताव रखा। इन टीका में है देवानाम सहायका सहदेवा भगवान परशुरामा। वो उठकर खड़े हो गए और भगवान परशुराम ने कहा अच्युत अच्युता श्रेष्ठम, कृष्ण ही श्रेष्ठ है, उन्हीं का पूजन होना चाहिए। तब उस समय भगवान कृष्ण को सुंदर सिंहासन पर बैठा करके धर्मराज युधिष्ठिर ने पूजन किया। सभी राजा पूजन कर रहे थे। इससे संतों में सज्जनों में बड़ा आनंद है, इन दुष्टों में बड़ा द्वेष है।
वो दुष्ट ऐसे होते हैं जो काहू के सुने बड़ाई तो सांस ले जन जूड़ी आई। वो दुष्ट लोग बहुत दुखी हो रहे हैं कि इनका पूजन हो रहा है, तो शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया। इत्थम निशम्य दमघोष सुतस्व पीठात उत्थाय कृष्ण वर्णन जात मन्यु, क्रोध में भर गया और तलवार ली और कहा इस ग्वाले को मंच से नीचे उतारो, ये माखन चोर है, भगवान को अपशब्द कह रहा है, भगवान गिन रहे हैं उसके अपराधों को गिन रहे हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो इसकी चार भुजाएं थी। भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र है, कर्म से राक्षस हुआ है, पूर्व जन्म का ये रावण है, रावण का अवतार है, इसका भाई दंतवक्त्र कुंभकर्ण का अवतार है, भगवान को गाली दे रहा है। देखिए चार भुजाएं सही जन्मा, तो ज्योतिषियों ने कहा जिसके देखने से दो भुजाएं अपने आप गिर जाएंगी उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी, तो भगवान के देखने से दो भुजाएं गिर गई थी। माता ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा इसके 100 अपराध हम क्षमा कर देंगे, इसके आगे क्षमा नहीं करेंगे। तो 100 गाली जब दे गया स्त्री चोर, न जाने क्या कहा है भगवान को, तब भगवान ने चक्र को आदेश किया और इसका सिरा छुरांत चक्रेण पातया मास भूतले, इसका वध कर दिया, उसका तेज प्रमेलीन हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। उसके भाई दंत वक्र को भी मोक्ष दिया और फिर राजसु यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ पूर्णता से सभी प्रसन्न हैं, लेकिन दुर्योधन को बड़ी ईर्ष्या है, यज्ञ बिना विघ्न के पूरा कैसे हो गया। मैं दानव ने एक सुंदर सभा बनाई थी, जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल का भ्रम हो जाता है, तो उस समय वहां भगवान कृष्ण पांचों पांडव द्रौपदी कुछ राजा बैठे थे। अभिमान पूर्वक दुर्योधन चला तो जले स्थलवत भ्रांत्या मय माया विमोहिता, जहां पर सूखी भूमि थी वहां उसे पानी लगा तो अपने वस्त्र समेट लिए, और जहां पर पानी था वहां सूखी भूमि लगी तो तेजी से चला तो पानी में जम से गिरा। यह दृश्य देख करके भीमसेन द्रौपदी राजा हंसने लगे। धर्मराज ने मना किया हंसो नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा हंसो, ये हंसी का पात्र है। और उस समय द्रौपदी हंसी और द्रौपदी ने कह दिया अंध सोना, ये अंधे के पुत्र हैं। और जलती ज्वाला में घृत पड़ गया। दुर्योधन क्रोध में वैसे भी प्रतिशोध में जल रहा था और जल उठा, उसने कहा मैं अंधे का पुत्र हूं, तो भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करके जंघा पर बैठाऊंगा, ऐसा प्रण करके चला गया और अपने मामा शकुनी से परामर्श किया। इसका भागवत में नाम मात्र का वर्णन है, ये कथा महाभारत में है, संकेत कर दिया है। मामा शकुनी से कपट द्यूत की मंत्रणा करी, क्रोध में भरी सुयोधन युधिष्ठिर ढिंग आयो है, दीनों निमंत्रण द्यूत क्रीडा खेल बेको तिन्हे, पांडवन के मन में महामोद छायो है, चाल पर चाल आज शकुनी चले जाल से, और धर्मराज जूने सब धन गवायो है, हारी राजपाट सैन साहेबी सब हारी गए, अंत में द्रुपद दुलारी को दाम पर लगायो है, द्रुपद दुलारी को हारी गए धर्मराज, तब तो दुर्योधन ने बैन ये उचारो है, सुनो दुशासन भ्रात आज है मेरी बात, तीनों कठिन प्रण अति ही करारो है, नग्न द्रौपदी करी पूरी सभा के बीच, जंघा पर बिठाऊं ऐसो कठिन प्रण हमारो है, सुन के बैन दुशासन प्रस्थान कियो, और द्रौपदी के महल बीच जाए पगुधारो है। पांचाली द्रौपदी कृष्णा एक ही वस्त्र में बैठी थी, पापी दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और खींच कर सभागार में खड़ा कर दिया। द्रौपदी को अपने पतियों पर विश्वास था, इन पांचों पति अधोम मौन बैठे हैं, द्रौपदी ने जान लिया ये कपट द्यूत में सभार गए हैं। दुर्योधन ने कहा दुशासन इसे नग्न कर दो, आगे बढ़ा दुशासन। द्रौपदी ने कहा मेरे पिता तुल्य ससुर धृतराष्ट्र पूजनीय,
पितामह भीष्म, गुरुदेव द्रोणाचार्य और काका विदुर, आप जैसे ज्ञानियों की सभा में अबला नारी को नग्न किया जाना अधर्म है, आप न्याय करें। पापी दुर्योधन का दूषित अन्न खाने के कारण सभी की बुद्धि मलिन हो रही थी भक्तों, और उस समय आज कर्ण आदि ने उपहास किया है। आगे बढ़ा दुशासन, विदुर जी ने कहा अनुचित हो रहा है भैया धृतराष्ट्र, आप न्याय करें। किन दुर्योधन ने कुछ सुना नहीं, कहा मेरे अन्न से पलने वाले स्वान के समान विदुर राज परिषद का परित्याग कर दो। दुशासन पुनः ललकारा, आगे बढ़ा दुशासन और उस समय ज्यों ही उसने चीर पकड़ा, दांतों में दबाए हैं साड़ी द्रौपदी भी, माद लहू का घूंट पिए बैठे, कहते भैया आज्ञा दो। लेकिन धर्मराज कहते समय की प्रतीक्षा कर, आज द्रौपदी ने देखा मैं नग्न हो जाऊंगी तो दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। एनो धृता बसुमती शलिले निमग्ना नग्ना च पांडव वधू स्थगिता दुकुले सम्मोचितो जलचरस मुखाद गजेन्द्र दृग्गोचरो भवतु मे सदीन बंधो। जिन्होंने रसातल में डूबी हुई वसुंधरा का उद्धार किया था, जिन्होंने डूबते हुए गजराज को बचाया था, भैया के नहीं आज मेरी लाज बचाओ। जात है लाज आज सभा के बीच में मेरे भैया कन्हैया, मेरी लाज बचाओ। हो तो उघारी तुम्हारी भगिनी करुणा सागर करुणा दिखलाओ। भैया मुरारी अबारी करी आमन में नेक ना विलंब लगाओ। हे ब्रज चंद्र हरो दुख द्वंद हमारी बेर अबेर ना लाओ। भैया मुरारी तेर है पहुंची द्वारिका के महल बीच, खेलत पंसा सारी गिरधारी चौंकी गए। भगवान ने तुरंत ही रुक्मिणी के जितने चीर हैं जोड़ दिए,